हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू मार्केट्स। बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने को मिला आज बैंक निफ्टी में। हमने आज एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, और वो ट्रेड हमने कल अपने वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें हमने 380 पॉइंट्स ऑफ बैंक निफ्टी स्पॉट कैप्चर किए। वो ट्रेड क्या था, एंट्री, एग्जिट एंड द लॉजिक, लेट्स गो टू द चार्ट एंड आई एक्सप्लेन यू देयर। ये है बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। जो पहला ट्रेड ऑन द ओनली ट्रेड फॉर टुडे जो हमने मार्क किया है, वो है चार्ट में इधर ब्लैक सर्कल से मार्क किया है। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में जो मैंने ट्रेडिंग प्लान आपको बताया था, उसमें मैंने आपको ये बोला था कि जब प्राइस 40,500 के नीचे सस्टेन करेगा, अगर गैप डाउन होता है और प्राइस 40,500 के नीचे सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे जिसका टारगेट हमारा रहेगा 40,065, ये ग्रीन लाइन। दिस वॉज द ट्रेड जो हमने आज लिया। तो हमने यहाँ पर एंट्री कब करी, देखिए फर्स्ट कैंडल जो थी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहाँ पर एक डोजी बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसने फर्स्ट 5 मिनट से कैंडल का रेंज के नीचे क्लोजिंग दी। इसके बाद ऊपर प्राइस आया, यहाँ पे दो डोजीज बनी, और ये जो कैंडल है राइट, ये दो डोजीज के बाद इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की साइड में, तो ये रीटेस्ट हुआ और ये ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ पर ये दो डोजीज के बाद इस कैंडल में हमने एंट्री की, ये रेड कैंडल में। इसका जो हमने एसएल रखा था, ये हमने अबव 40,500 रखा। जो हमारा टारगेट था वो हमारा पहले से क्लियर था 40,065। इस ट्रेड को हमने यहाँ पर जब तक टारगेट नहीं आया वी लेट इट रन। तो ये एक ही ट्रेड था जो हमने आज लिया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 40,000 का रेजिस्टेंस है, तो हमने इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अपसाइड के लिए भी कोई भी सेटअप नहीं बना था। इसके बाद यहाँ पर जब प्राइस ने 40,065 को टच किया, इसके बाद कोई भी अपसाइड का भी ट्रेड नहीं बना, और डाउन साइड में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ पे भी उसके अलावा कोई भी सेटअप बनता नहीं था। तो एक ही सिंगल ट्रेड था जिसमें अराउंड 380 पॉइंट्स हमने बैंक निफ्टी के कैप्चर किए। नाउ ये जो एरो से मार्क है, ये वो पॉइंट्स है, अगर सपोज आपने मार्केट में मॉर्निंग में ये ट्रेड मिस कर दिया है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल एंट्रीज फॉर यू इफ यू हैव मिस द फर्स्ट ट्रेड राइट। तो यहाँ पर एक ही रीटेस्ट था ब्रेकडाउन कैंडल का, ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है, तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है। इसके बाद ये जो इनसाइड कैंडल्स हैं, इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस रिट्रेस होके इनसाइड कैंडल बनी, तो इनसाइड कैंडल के लो ब्रेक होते ही आप यहाँ पर एंटर कर सकते थे। सेम गोज फॉर हियर। तो यहाँ पर ये पॉसिबल एंट्रीज दिखाई गई हैं फ्रॉम यूजिंग दीज एरोज, अगर आपने इनिशियल एंट्री इन द डे मिस कर दी हो, और सबका टारगेट ये सेम ही था 40,065। तो आज काफ़ी ट्रेंडिंग डे देखने को मिला बैंक निफ्टी में। अब कल का है एक्सपायरी का दिन, कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे और ट्रेडिंग प्लान, उनको अब समझते हैं। तो हमारे पास बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। ओके, अब देखिए आज के दिन यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन देखने को मिला, ये जो आप देख रहे हैं आज का कैंडल्स है 1 आवर की। फिर ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है, ये एक मंथली सपोर्ट है, यहाँ पर एक हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो जनरल देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली बियरिश ही है अभी तक। अगर कल के लिए अभी हमें यहाँ ये देखना है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये जो हैमर फॉर्म हुआ है ग्रीन, अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पर एक पुल बैक देख सकते हैं। शॉर्ट थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है जो हमें 40,450 के आसपास लेके जा सकता है। अगर प्राइस यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर ये हैमर के नीचे प्राइस सस्टेन करे, ओके, देन यहाँ पर हमको एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है ऑन द पोजिशनल फ्रंट 39,276। दिस इज़ फॉर पोजिशनल प्लेयर्स, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म थिंग, ऐसा नहीं कि ये कल ही लेवल्स मीट हो सकते हैं। दोनों साइड अपसाइड डाउन साइड के जो ये लेवल्स हैं, ये फॉर आपको इन पोजिशनल एज अ पोजिशनल प्लेयर ये ध्यान में आपको रखना है। अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो सी कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। कल के सेशन के लिए जो कि है थर्सडे 23rd of February, जो एक्सपायरी का दिन है, उसके लिए हमने अपने लेवल्स मार्क कर लिए ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो ये तो हमारे लेवल्स हैं कल के लिए। अब ट्रेडिंग प्लान की अगर बात करें, अगर कल एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पर ये जो रेंज है बिटवीन दिस ब्लैक लाइन एंड द ब्लू लाइन,
यहाँ पर अगर प्राइस रहता है यहीं पर फ्लैट ओपनिंग देता है माइनर गैप अप या माइनर गैप डाउन, तो ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन का काम करेगा। अगर यहाँ पर गैप डाउन जो होता है और 39,900 के प्राइस के पास में प्राइस आता है, जहाँ पर एक ये हैमर पैटर्न भी फॉर्म हुआ था, अगर यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है 39,900 के, तब हम यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं जो कि हमें 40,141 के पास में लेके जा सकता है। ये एक स्मॉल स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा विद वेरी लेस क्वांटिटी। अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो आप ये ट्रेड लॉन्ग साइड का अवॉइड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन होने के बाद प्राइस 39,900 के नीचे सस्टेन करेगा, तब हमारा जो पहला टारगेट निकल के आता है वो है 39,750, और जो सेकेंड टारगेट निकल के आता है वो है 39,446। तो ये रहेगा डाउन साइड की तरफ का प्लान। अगर कल गैप अप ओपन होता है या फिर एक माइनर गैप डाउन के बाद प्राइस रिकवरी करता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, तो अच्छी बाइंग हमें यहाँ पर 41,41 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर प्राइस 41,41 के ऊपर सस्टेन करके यहाँ एक ऐसा बुलिश पैटर्न बनाएगा, तब हमें 43,70 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये रहेगा ट्रेड प्लान कल के सेशन के लिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लेट अस नो, कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।